ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। रीवा के निवासन खातिर सावधान करे वाली और बड़ी खबर लेके आए हैं। बता दें कि अगर अपना शराब के शौकीन हैं और शराब के नशा में चाहे दोपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन चलाए थे तो अपना के ऊपर पुलिस या कार्रवाई हो सकती है। कहे से कि रीवा डीआईजी नवनीत भसीन के निर्देश में रीवा पुलिस के द्वारा ब्रीथ एनालाइजर मशीन से चेकिंग अभियान चलावा जा रहा है, जहां शराबी वाहन चालकन के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पहुंचे सभी जन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि रीवा में डीआईजी नवनीत भसीन के निर्देश के मुताबिक यातायात डीएसपी मनोज शर्मा के नेतृत्व में यातायात थाना प्रभारी दिलीप तिवारी और सूबेदार अखिलेश कुशवाहा के द्वारा यातायात पुलिस स्टाफ के साथ मार्तन तिराहा में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलावगा। पुलिस के द्वारा ब्रीथ एनालाइजर से टेस्ट करब शुरू कीनगा। इस दौरान कई लोग शराब पी के वाहन चलावत मिले, बिना हेलमेट निकले मोटरसाइकिल सवालन के जहां चालान काटागा, तो वही चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा एक सैकड़ा लोगन के चेकिंग कीन के जोनेवा 50 से अधिक लोगन के ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग कीनगा। हालांकि शराब पी के गाड़ी चला कई लोगन का पकड़ा गया है। बता दें कि इस दौरान कई लोगन का शराब पी के वाहन चलावे के दौरान पकड़ा गया है। न्यायालय में आरोपी का पेश कीन गया है और अपना का सुनाई थे यातायात थाना प्रभारी के द्वारा ये पूरे अभियान के बारे में का कुछ जानकारी दीन गया है और कौन मेर से रीवा में ये अभियान सतत रूप से चलावा जाए। तो सजग रही और सतर्क रही और सुनी यातायात प्रभारी के बयान। दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम। हमारे सामने नोन की वीडियो बनाया वाहन चेकिंग लगाई गई, कितने वाहन चेकिंग किए गए, कितने दिन दिन बाइक की गई। देखिए ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ये चेकिंग लगाई गई है। मुख्यतः हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि लोग जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें और उनमें भी विशेष तौर पर ट्रैफिक जो नियम तोड़ देते, जैसे हेलमेट लगाकर न चलना, तीन सवारी मोटरसाइकिल में बैठ के चलना, स्टंट करना, बड़े बड़े साइलेंसर लगा लेना, मॉडिफाइड साइलेंसर लगा लेना, आवाज करते हुए साइलेंसर लगा लेना, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। ये ट्रैफिक नियमों का वायलेशन है। इस प्रकार से जो वायलेशन करता है, चाहे वो बुलेट पे मॉडिफाइड साइलेंसर लगा ले या तो ट्रिपलिंग करे, उन पे हम जो है लगातार कार्रवाई करते हैं। हमारा उद्देश्य कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य आम जन तक ये मैसेज डिलीवर करना कि आप हेलमेट लगाकर चलिए, तीन सवारी वाहन मत चलाएं, नहीं तो रोड एक्सीडेंट में यदि व्यक्ति की जान जाती है तो उसका केवल रीजन ये होता है कि उसके सर पे हेलमेट नहीं होता है। तो कृपया करके हेलमेट लगाएं। चलानी कार्रवाई रूटीन चेकिंग है, ये चलती रहेगी। हमारा उद्देश्य मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, उद्देश्य रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करना है किसी भी तरीके से। देखा जा रहा है यहाँ पे अभी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, उसको भी कार्रवाई की गई। देखिए मध्य प्रदेश के यदि हम आंकड़े देखें तो मैक्सिमम जो रोड एक्सीडेंट है वो दो कारणों से होते हैं। एक तो ओवर स्पीडिंग, तेज गति से वाहन चलाना, दूसरा नशे की हालत में वाहन चलाना, शराब पी करके वाहन चलाना। मुख्यतः यही दो कारण है रोड एक्सीडेंट के। जब आदमी शराब पी लेता है तो उसको जो विजन होता है उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और वो किसी ना किसी माध्यम से रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। इसलिए रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए या तो कम करने के लिए हम शराब की लगातार चेकिंग करते हैं ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से। और दूसरा तरीका है एक स्ट्रेट लाइन टेस्ट होता है, तीसरा है कि मेडिकल करा देते हैं। तो ऐसे शराब पीकर जो वाहन चालक होते हैं उन पर हम लगातार जो है चेकिंग करते हैं और जो पकड़े जाते हैं उनको माननीय न्यायालय से प्रकरण पेश करके उनका निपटारा कराते हैं। कौन कौन सी वाहन चेकिंग की गई, बस वगैरह, स्कूल वाहन? अभी हमने बस भी चेक की, स्कूल वाहन भी चेक किए, मोटरसाइकिल भी चेक की, रेंडमली हमने फोर व्हीलर भी चेक की, पिकअप वैंस भी चेक की, हमने बहुत सारे व्हीकल्स जो हमें लग रहे थे कि ये शायद एल्कोहल का सेवन किए हैं, ऐसे वाहनों की लगातार हमने चेकिंग की है। उसमें से दो तीन हाँ ब्लैक फिल्म एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है। ब्लैक फिल्म जो हम लगा लेते हैं तो जब भी हमारी चेकिंग होती तो हमें क्लियर ये नहीं पता चल पाता कि गाड़ी कौन चला रहा है, नाबालिग चला रहा है कि कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाला चला रहा है या कुछ ऐसा एंटी सोशल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, वो हमको नहीं दिखती है।
और ये ट्रैफिक नियमों का वायलेशन के अंतर्गत भी आता है, तो कृपया करके ब्लैक फिल्म शीशे में न लगाएं। शीशा आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। शहर में कहाँ कहाँ चेकिंग लगाई? शहर में इस समय हमने मारतंड स्कूल पे अभी कंबाइंड चेकिंग लगाई है, इसके अलावा कॉलेज चौराहे पे, सिरमौर चौराहे पे चेकिंग आपको लगातार मिलती रहेगी। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश, एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।